मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण माहिती देने जा रहा हूं, वो सभी आई ध्यान से सुने तो अच्छा है। कई बार क्या होता है कि घर में बच्चे पैदा होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो दो चार दिन होते ही उनको कावड़ हो जाता, कई बार ऐसा जॉन्डिस होता है, और वो जॉन्डिस कई बच्चों की जान ले लेते, और आजकल ऐसी बहुत केस आ रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि जिनके भी घर में नया बच्चा आया है, वो आई को नियमित रूप से चूना खिलाइए, तो उसका जो दूध है, दूध में चूना आएगा और बच्चे को मिल जाएगा, तो उस बच्चे को कभी कावड़ नहीं आएगा। हाँ, अगर आई को 8 महीने पूरे हो गए तो चूना खिलाना शुरू कर दीजिए, लगभग 7 महीने से भी दे सकते हैं। आई को कैसे देना है, सुबह सुबह नाश्ते के समय दही और चूना दोनों मिला के दीजिए, 100 ग्राम दही 1 ग्राम चूना गर्भावती गर्भस्थ आई को जरूर दीजिए, ताकि उसके बच्चे को कावड़ ना हो। जो आई भी गर्भावस्था में चूना खा ले 1 महीने, उस आई के बच्चे को कभी भी कावड़ नहीं होता, जॉन्डिस होता है, और उस आई का बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है, और आई को कभी सिजेरियन नहीं होता। अगर चूना खाया है आई ने, 1 महीने भी लगातार खाया है, तो आई को सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चा स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि घर में कोई भी आई गर्भावस्था में हो तो सवेरे दूध में नहीं सॉरी माफ करिए दही में चूना मिला के देना शुरू कर दे, और उसी आई को एक काम और करेंगे तो और भी अच्छा है। सवेरे तो दही और चूना देना, और रात को उस आई को गाय का दूध और तूप मिला के देना, गाय का